आप देख रहे हैं BHBC News। इस दौर में विपक्ष की क्या कुछ भूमिका है, क्या विपक्ष कर रहा है, आज हम यही जानकारी लेने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और राजीव महर्षि निवर्तमान अध्यक्ष हैं मीडिया कमेटी के, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले साहब स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, सभी मानते हैं कि नाजुक दौर है, लेकिन एक आम जन की उम्मीदें और उनकी आंखों की एक आस विपक्ष की तरफ भी लगी रहती है, जबकि उनको इस चीज़ की उम्मीद सरकार से बहुत कुछ होती है, लेकिन विपक्ष का भी कहीं ना कहीं कोई रोल होता है। निश्चित तौर क्या रोल है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की बहुत जिम्मेदार भूमिका निभा रही है और इससे भी अधिक, मैं कहूँगा एक हद तक हम लोग निभाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, या मैं कहूँगा माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो सड़कों पर परेशान हैं, जो पैदल चल रहे हैं 45, 47 और 50 डिग्री के टेम्परेचर पर, आप देख रहे हैं किस तरीके की गर्मी पड़ रही है हमारे जो मैदानी इलाके हैं, और उनमें जो है वो लोग करोड़ों की संख्या में सड़कों पर हैं, केंद्र सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने कल कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और अपने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनके निर्देश पर हमने कल एक स्पीकअप इंडिया का अभियान चलाया पूरे भारतवर्ष में। तो क्या है इस स्पीकअप इंडिया के तहत जो है ना, क्या कुछ लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है, क्या उसका उद्देश्य है? मैं बताता हूँ, ऐसा है, देखिए हमारी चार मुख्य मांगे हैं। पहली मांग हमारी थी कि जो प्रवासी जो पूरे सड़क पर उतरे हुए हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है घर पहुँचने का, हमने ये मांग करी केंद्र सरकार से कि आप उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर कोई और व्यवस्था करता है तो उससे आपको तकलीफ पहुंचती है। आपने ताज़ा उदाहरण जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का देखा होगा, उन्होंने जो प्रियंका जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने बसें लगाई थी, उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया, श्रमिक परेशान रहे, वो 5-6 दिन तक सड़कों पर वो बसें खड़ी रहीं, श्रमिक उनकी बगल से होकर निकलते रहे, उसमें बैठना चाहते थे, लालायित थे, क्योंकि बहुत गर्मी, बहुत परेशानी का दौर, उनके साथ बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके परिवार हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, लेकिन वो उनको योगी सरकार के आला अधिकारियों ने उनमें नहीं बैठने दिया। दूसरी मांग हमारी ये है कि आप 10,000 रुपये डायरेक्ट जो है श्रमिकों के और जो भी BPL के लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो परेशान लोग हैं, कम से कम उन लोगों के खातों में, क्योंकि और भी देश, ये वैश्विक महामारी है, इसमें और भी देश सब प्रकार से मदद कर रहे हैं अपने अपने नागरिकों की, चाहे वो पैसे से मदद कर रहे हो, चाहे वो अन्य साधनों से मदद कर रहे हो, लेकिन सरकारें और देशों की मदद कर रही हैं अपने नागरिकों की। तो हमने ये कहा कि आप 10,000 रुपये सीधे इनके खातों में डाल दें, जिससे कम से कम अपना घर पे बैठे उस दिन खर्चा चले, क्योंकि देखिए अगर वो इसको लेकर सड़कों पर निकलेंगे, अपनी आजीविका को ढूंढने निकलेंगे, ज़्यादा परेशान रहेंगे, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिलेगी, परेशानी होगी, तो निश्चित तौर पर महामारी फैलने का और भी डर रहेगा। नहीं, महामारी एक अलग चीज़ है, लेकिन महामारी के साथ साथ राजीव जी, पहले मैं एक चार मांगे बता दूं। चलिए मांग भी आप बता दीजिएगा, आप मांगे ही बता दीजिएगा, मेरा सवाल फिर दूसरा रहेगा। तीसरी मांग हमारी मनरेगा, जो मनरेगा जो स्कीम है उसके अभी जो कार्य अवधि है वो 100 दिन की है, उस कार्य अवधि को हम चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार 200 दिन करे, जिससे उनकी जो आजीविका है, जो हमारे श्रमिकों की, किसानों की, इनकी जो आजीविका है वो कुछ उसका साधन बने और वो अपना सुचारू रूप से जीवन यापन कर सके। इसी प्रकार से हमने एक व्यापारियों के लिए भी एक मांग रखी है, चौथी मांग है हमारी व्यापारियों के लिए। हमने ये कहा है कि आप व्यापारियों को कोई मदद दें, क्योंकि आप तो सिर्फ लोन की बात करते हैं और लोन, पहली बात तो लोन की जो है उसकी जो औपचारिकताएँ हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं,
उसके बाद जो है वो बाकी जो अगर आप दे भी देंगे तो वो आपको वापस भी तो करना है। आप आज नहीं लेंगे, आप उसका 3 महीने का 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड बना देंगे आप, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद साल भर बाद आप लेंगे वो पैसा, तो उस टाइम वो उसको और रखेगा। हम तो ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट कोई मदद कीजिए, आप वो टैक्स के रूप में भी कर सकते हैं, टैक्स माफ़ी के रूप में भी कर सकते हैं, आप वो अन्य रूप में भी। आप तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि जो व्यापारी हैं वो अपने श्रमिकों को, अपने स्टाफ को वो तनख्वाहें दें, तो तनख्वाहें कहाँ से देंगे जब रोजगार ही नहीं चल रहा है, कोई कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई उद्योग नहीं चल रहा है, लेकिन कहाँ से तनख्वाहें देंगे। लेकिन राजीव जी, इस वक्त जाना सबसे जो अहम सवाल है कि जिन लोगों के रोजगार छूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनके सामने सबसे ज़्यादा महामारी से डर, अब भूख का, बेरोजगारी का, अपने पैरों पर खड़ा ना होने का है, तो वो आईना आप जो है ना किस तरीके से दिखा रहे हैं? देखिए, मैंने वही आपसे कहा, जो हमारी दूसरी मुख्य मांग थी मनरेगा वाली, वो एक बड़ी मांग है, उससे उसमें काफ़ी श्रमिक जो है कवर हो जाएंगे और उनका एक रोजी रोटी का साधन बनेगा, 100 दिन से उनका कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जो दूसरे उद्योग धंधे हैं उनकी आप डायरेक्ट मदद करिए, उन्हें खोलने के लिए प्रोत्साहन आप उनको दीजिए। आप जो प्राइवेट जो बिजनेस हैं, जो लोग अपना व्यक्तिगत रूप से जो खोल के छोटे छोटे व्यापार बैठे, उनको आप थोड़ा बहुत कुछ प्रोत्साहन दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम ये चाहते हैं कि आप देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनकी मदद करें, लेकिन कुछ तो मदद करें। आप मदद करेंगे तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है ये महामारी पे भी हम ठीक से जो है अंकुश लगाएंगे, और वो जो हमारे जो श्रमिक हैं वो कम से कम जब उन्हें सुविधाएं मिल जाएंगी और थोड़ा सा उन्हें साथ मिल जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से हम महामारी को कंटेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम लोग उसको कर लेंगे, हम पार पा लेंगे। अच्छा, अभी तक जो दौर गुजरा है, आज हम चौथे लॉकडाउन में आखिरी दौर में हैं, आगे भी हो सकता है केंद्र सरकार का जो भी फरमान आएगा वो पूरी देशवासियों को मानना होगा, तो इसमें कुछ जाना जिस तरीके के हालात बने हैं, मरीज बढ़े हैं, उससे क्या लगता है आपको? आप भविष्य की स्थिति के बारे में भी आप कुछ बताइए, क्या विपक्ष सोच रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा शब्द एक इस्तेमाल किया, फरमान। ये फरमान है और मैं कहूँगा हिटलर शाही का फरमान है। केंद्र सरकार आकर ऐलान कर देती है, फरमान जारी कर देती है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है। हमने ये भी कहा कि भाई आपने एकदम अचानक आकर, आपको ऐलान नहीं करना चाहिए। आप अचानक आकर नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं, GST का ऐलान कर देते हैं, आप आकर एकदम जो है लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं, कुछ समय आपको देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि किसी तरीके से जो हमारे ये महामारी को अगर हम उसे कंटेन करना चाहते हैं तो इसको हम जो है हमें लोगों को सुख सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसी के बाद ये हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं। भाजपा कहती है कि हम करना चाहते हैं, कांग्रेस रुकावट बन रही है। नहीं, कांग्रेस कहाँ रुकावट बन रही है, आप बताइए। कांग्रेस तो बिल्कुल जिम्मेदार, बहुत अच्छी भूमिका में, आप बताइए कांग्रेस कहाँ गलती कर रही है? क्या उनके लिए बस देना कोई गलती है? प्रियंका जी का, क्या राहुल जी का उनके लिए, या सोनिया जी का मजदूरों के बारे में सोचना, या राहुल जी का सड़कों पर जाकर उनसे सड़क के फुटपाथ पर बैठ के उनके दुख दर्द बांटना, तो क्या कहीं ये कोई किसी प्रकार से गलत है? आप जरा बताइए, जब ये गलत ही नहीं है, जब ये सारी चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं, तो फिर कहाँ से कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष की गलत भूमिका निभा रही है? निश्चित तौर पर बहुत जिम्मेदार भूमिका है, और आगे भी मैं कहूँगा बढ़ चढ़ कर, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय है। कल भी हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मांग की है केंद्र सरकार से कि आप स्पीक अप इंडिया के तहत कि भाई आप ये मांगे हमारी मान लीजिए। नहीं, जैसे इस वक्त हम अगर उत्तराखंड की बात करें, जैसे उत्तराखंड में एक नाम दिया गया है कि प्रवासी वापस आ रहे हैं, तो वापसी आना ही कोई हल नहीं है, क्योंकि उनको फिर रोज़गार भी चाहिए। पहले ये होता था कि यहाँ से पलायन हो रहा है, अब कुदरती निज़ाम ऐसा हुआ कि वो लोग यहाँ आ गए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ होगा ना विपक्ष? देखिए, हम आपसे यही तो कह रहे हैं, हम देखिए जब तक उस देश में व्यापार सुरक्षित नहीं रहेगा, रोजगार, आप सरकारी नौकरी तो किसी को दे नहीं रहे, आप सरकारी नौकरियों में, सरकारी भर्ती में तो किसी को जल्दी से रख नहीं रहे, तो जब आप नहीं रख रहे हैं तो जो हमारे जो प्राइवेट जो व्यापार है, प्राइवेट जो हमारे बिजनेस हैं, वही तो रोजगार को बढ़ावा देंगे, चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे वो दुकानें हों, चाहे वो
ठेली वाले हो, फड़ वाले हो, जब तक आप इन सबको प्रोत्साहन नहीं देंगे, आप किसी प्रकार की इन्हें मदद नहीं देंगे, लोन से अलग, लोन बहुत एक मुश्किल चीज़ है, उसको वापस भी करना पड़ता है, तो जब आप ये सारी मदद जब नहीं देंगे तो कहाँ से रोजगार बढ़ेंगे? सरकार कहती है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज तो हमने दे दिया है। नहीं, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है, वो है कहाँ? किसी के खाते में, आपके खाते में या किसी और अन्य किसी व्यक्ति के खाते में आया हो तो आप उसका हमें सबूत दे दीजिए कि केंद्र सरकार ने हमें दिया है सब पैसा, हम मान लेंगे कि केंद्र सरकार मदद कर रही है। किसी एक का खाता तो निकाल के लाइए, केंद्र सरकार ने उसमें पैसे डाले, वो तो कहते हैं हम लोन दे देंगे, तो लोन तो वापस करना पड़ता है, लोन अगर कर भी दिया होगा आपने तो लेगा कौन उस लोन को? तो उसे वापस करने का भी डर सता रहा है, अभी कोई उद्योग नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है, तो उसको लौटाने की जो उसकी क्षमता है वो भी खत्म है, तो जब उसकी लौटाने की क्षमता ही नहीं है तो वो लोन लेते हुए डरेगा निश्चित तौर पर, ये तो स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं। अच्छा राजीव भाई, जब से लॉकडाउन लगा लगातार मैं और मेरा सहयोगी भी सभी कुछ कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, पहले एक दौर ये था कि सबको खाना मिल जाता था, पक्का राशन भी बट रहा था, कच्चा राशन भी बट रहा था, जैसे ही लॉकडाउन खुलने की बात आई तो बहुत सी जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी उन्होंने अपने हाथ ना वापस खींच लिए, आज उन लोगों का क्या हो रहा है? क्योंकि रोजगार या अभी काम तो है नहीं, तो क्या इस कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ये भुखमरी हो जाएगी या हो रही है? देखिए निश्चित तौर आपने जब लॉकडाउन की ठीक से प्लानिंग नहीं करी, उसकी कोई रूपरेखा आपने ठीक से एक उसका मानचित्र नहीं बनाया, आपने उसकी एक ठीक से लॉकडाउन की रूपरेखा नहीं बनाई, तो ऐसे में जो लोग ये मदद कर रहे थे वो भी तो बेचारे कहीं ना कहीं से साधन जुटा के ला रहे हैं दूसरों की मदद करने के लिए, वो भी कहाँ से करेंगे? तो केंद्र सरकार तो बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं, उसका बिल्कुल भी मौन धारण किए हुए और उसका बिल्कुल भी इस इन बातों की तरफ ध्यान नहीं है, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है केंद्र सरकार, ना मोदी जी ना उनके मंत्री, वो केवल टेलीविजन पे आते हैं और कोई भी झूठा सच्चा ऐलान करके उसको जो है चले जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी आप बता दीजिए कि क्या कुछ कह रहा है अभी तक। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिससे कोरोना से हम लोग पार पा लें, बिल्कुल नहीं उन्होंने कोई किसी भी तरीके की कोई जो है उनकी वो नहीं। आपने कल भी देखा उन्होंने पहले 7 बजे बाजार 7 बजे से 4 बजे तक थे, कल उन्होंने 7 बजे कर दिया, तो 7 बजे तक करा तो उसकी कोई रूपरेखा तो होनी चाहिए, कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए कि भाई अगर आप उसे 7 बजे तक खोलेंगे तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, क्या क्या जो है उसमें बाध्यता रहेंगी हर व्यक्ति की, हर नागरिक की, बाध्यताओं की कोई लिस्ट नहीं है, आपने सीधे एक ऐलान कर दिया, तो ऐसे तो महामारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। चलिए अपनी तरफ से अपील देशवासियों को। देखिए हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, और अपना जो अपना भी जीवन बचाएं और दूसरों का भी जीवन बचाएं, और जो भी पालन आप कर सकते हैं कोरोना से दूर रहने के लिए उसका आप पालन करें, और केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी निरंतर लड़ती रहेगी आपकी मांगों के लिए, और हम इस कोरोना से आपको कांग्रेस पार्टी और हमारे जो नेता हैं हम लोग, यदि केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी, हम लोग जो है सबकी मदद के लिए आगे हैं, हम लोग बिल्कुल आपके साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, और जो भी मदद कांग्रेस पार्टी से होगी कांग्रेस पार्टी आप सब लोगों की करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलिए मैंने राजीव महर्षि जी से बातचीत की, विपक्ष के जिम्मेदार रहना व्यक्ति हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं, नी वर्तमान में मीडिया कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और जो बातें इन्होंने रखी, हालांकि इन्होंने जो है ना यही बात सामने रखी कि मीडिया जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती निभा रही है और लगातार भी निभाती रहेगी। अब वक्त है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी लोग मिलजुल कर इस लड़ाई से को लड़ें और कोरोना को दूर भगाएं। अपने सहयोगी रामपाल सिंह के साथ मैं वकील अहमद, BHBC न्यूज़ देहरादून। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।